हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक मैनीक्योर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कर रही थी अपने हाथों का, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। और इस मैनीक्योर को करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स हैं। मैं इससे वाइप्स कर लेती हूँ, नेल पॉलिश रिमूव कर ले रही हूँ अपनी हैंड्स की। इस तरह से इसको रिमूव कर लेना है, अच्छे से आप रिमूव कर लीजिए। अब मैं ल्यूकम वाटर ले रही हूँ। अब मैं इसमें पहले डालूंगी आधा चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग सोडा मैं डालूंगी। ये देखिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच ही सॉल्ट डालूंगी मैं। और एक शैम्पू डालूंगी मैं ये वाला शैम्पू डाल रही हूँ बाटिका। आपके पास जो भी हो अवेलेबल वो आप डाल सकते हो। फिर इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 10 मिनट्स के लिए आपको इसमें हाथ डिप करके रखना है। आपको अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए हाथ, आपके हाथ एकदम स्मूथ और अच्छे ग्लोई हो जाएंगे। आपके हाथों के जो क्यूटिकल्स होंगे वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके बहुत हाथ डल हैं, बहुत ही हाथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, ब्लैक ब्लैक सी स्किन हो रही है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप डिप करके रखिए 10 मिनट्स के लिए। इस तरह से 10 मिनट्स के लिए हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद एक ब्रश ले लूंगी मैं, और जो स्किन होगी आपकी ऐसे नेल्स के पास, इस तरह से आपको करना है। जब आपके सॉफ्ट हो जाए हाथ, उसके बाद ही आपको पूरी स्किन पे हल्के हल्के हाथों से करना है। इस तरह जोर से नहीं करना, नहीं तो आपकी स्किन पे हार्श लाइन हो जाएंगे अंदर बाहर से। इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए आपका ब्रश।
तभी अच्छा रहता है। मैंने अपने हैंड को क्लीन कर लिया है, ये देखिए। अब हम स्क्रब बनाएंगे इसके लिए। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल, मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा मैं राइस फ्लोर, इतना राइस फ्लोर ले लूंगी मैं एक चम्मच, थोड़ा ज़्यादा ही बना लूंगी मैं क्योंकि मैं पूरे हैंड्स में, और बच जाएगा तो मैं लेग्स पे कर लूंगी। और लूंगी मैं रोज वाटर, ये मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपको बनाना भी बता दूंगी। ये देखिए इतना ले रही हूँ मैं एक चम्मच। और लेना है इसमें एलोवेरा जेल, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आपके पास जो हो वो ले सकते हो, एक चम्मच लेना है। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल दूंगी। मैं स्क्रब थोड़ी देर में करूंगी, पहले मैं ये जो लेमन मैंने इसमें स्क्वीज किया है, अब मैं उससे अपने नेल्स को इस तरह से कर लूंगी, सही रब कर लूंगी। हाथ पे भी कर सकते हो आप, अगर आपके हाथ बहुत ही ज्यादा ब्लैक है, आपके हैंड पे टैनिंग हो रखी है तो आप हैंड्स पे कर सकते हो ऐसे इस तरह से। अगर आपकी जो ये नकल्स होती हैं वो ब्लैक ब्लैक होती हैं तो भी आप उन पर अच्छे से इस तरह से रब कर लीजिए, तो आपके जो नकल्स हैं वो भी आपकी धीरे धीरे, आप इस मैनीक्योर को आप 10-12 दिन में, 12 दिन या 15 दिनों में आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जब भी हाथ डल से लगे या आपको हाथ पे टैनिंग हो जाए तो आप जरूर इस को कर लीजिए, बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। अब मैं अपने हैंड्स पर स्क्रब लगाऊंगी। फाइव मिनट तक आप स्क्रब कर लीजिए अपने हैंड्स पर। फिर वॉश कर लीजिए। देखिए मेरे हैंड्स कितने क्लीन हो गए हैं। ये देखिए हमें इनको सुखा लूंगी, पैट ड्राई कर ले रही हूँ मैं।
मैं नेविया क्रीम ले रही हूँ और अपने हैंड्स की मसाज करूँगी अच्छे से, क्योंकि जो स्किन आपकी अच्छे से रब हो गई है, अच्छे से जो स्किन साफ हो गई है, तो उसको आपको अच्छे से मालिश करनी है, मसाजिंग करनी है। ये मैं थोड़ा गुलाब जल इसमें डाल लूँगी। इस तरह से 5 से 10 मिनट आप अच्छे से इसे मसाज कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हैंड्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। मैंने अपने हैंड पे मसाज भी कर ली है नेविया क्रीम के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरा जो भी नया वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बाय। और आप इस पर आप अच्छे से नेल पॉलिश लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मैनीक्योर कैसा लगा, सॉरी, और आपको इस तरह का अच्छा लगा या नहीं। ये पार्लर जैसे आप पार्लर पर करवाए जाते हैं, तो अगर आप टाइम नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हो। हाउस वाइफ हो या कोई भी घर पे ऑफिस वर्क टाइम नहीं मिला है, जाना है कहीं और आपके हाथ बहुत ख़राब हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, बेजान हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप इसको घर पर ही ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय।